कटियों को बेचना, कटवाना बगैर गाभन रुके और गायों को बच्चियों को छोड़ना। अब ये कितने महीने की गाभन आ गई? 6 महीने की। 6 महीने की पक्की गाभन है? पक्की गाभन है। लोग क्या करते हैं, दूध पी लेंगे, जो बच्चे होंगे उनके छोड़ देंगे, उससे खुद का ही नुकसान होता है। पर भैंसों में ज्यादा दिक्कत आती है गायों की अपेक्षा। गाय जो होती है, गाय की हीपर्स जो है रुक जाती है आसानी से, पर लेकिन भैंसों की जो हीपर्स है उसमें ज्यादा दिक्कत आती है, वो टिपिकल ज्यादा रहता है रोकना। बाकी गाय की बच्चियों में इतनी दिक्कत नहीं आती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उसी क्रम में बात करेंगे, आज हमारे पास भैंस नहीं है, हीपर्स। आज हमारे पास हीपर्स जो है बछिया है, हम बछिया के बारे में बात करेंगे। बछिया हीपर्स है, जो कई बार ज्ञापन करवाई पहले और ज्ञापन नहीं रुकी। इसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब हमारी जो है ये बछिया है, हीपर्स है, ये ज्ञापन नहीं रुक रही है। तो सिर्फ गाय भैंस नहीं, गायों में भी हीपर्स बछिया जो है ज्ञापन कम रुकती हैं, पर भैंसों में ज़्यादा दिक्कत आती है गायों की अपेक्षा। गाय जो होती हैं, गाय की हीपर्स जो है रुक जाती हैं आसानी से, पर लेकिन भैंसों की जो हीपर्स है उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, वो टिपिकल ज़्यादा रहता है रोकना। बाकी गाय की बछियों में इतनी दिक्कत नहीं आती है। और हमारे यहाँ क्या है कि बछियों को हम क्या करते हैं, किसान भाई बछिया ज्ञापन कराई एक दो बार और ना रुकी तो छोड़ दी। तो अब हम बात करेंगे इस बछिया की, क्या इसकी हिस्ट्री है, जानेंगे पशु मालिक। तो दोस्तों महिला पशुपालक हमारे साथ हैं, इनकी ये बछिया है। ये बताओ, ये बछिया कितनी बार करा दी तुमने पहले? यह बताओ पहले, कितने साल की हो गई? 4-5 साल में चल रही है। घर की है तुम्हारे? घर की है। अच्छा, घर की है। पहले गाय पालती थी, उसकी बछिया होगी है? हाँ, उसकी है। तो ये बताओ, ये बछिया तुमने अभी अभी कितने महीने की गाभन आ गई? 6 महीने की। 6 महीने की पक्की गाभन है? पक्की गाभन है। अच्छा, तो ये बताओ, ये जब हमने ये किसके द्वारा सीमन डाला, हमने डाला सीमन इसमें? तो ये बताओ, उससे पहले कितनी बार करा दी जब हमने सीमन डाला? 2 बार कराई। किसी और से? किससे कराई, डॉक्टर से या किसी बछड़े से? डॉक्टर से करवाई। 2 बार डॉक्टर से करा दी, नहीं रुकी गाभन? नहीं। तो फिर तुमने मुझे बुलाया तो मैंने क्या बताया इसमें? तुमने कभी बताई, दवा धली, दवा रखी इसमें? तो दोस्तों इसमें हमने दवाई रखी थी और दवाई रखने के बाद में इसे क्रॉस कर दी। अब ये लगभग 6 महीने के आसपास में बछिया गाभन। और हमारे यहाँ क्षेत्र में क्या है, लोग बछियों को जो है पालते नहीं है, छोड़ देते हैं। जब से ये गाय बिकनी बंद हो गई है लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सही है, इतनी अच्छी बछिया है, अच्छा दूध देगी। इसकी माँ ने कितना दूध दिया? 11 लीटर दूध दिया। तो उम्मीद करते हैं ये कसम 12-13 लीटर दूध देना चाहिए, है नी? ये उम्मीद है कि ज्यादा दूध, 11 लीटर। हाँ, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बछिया जो है ज्यादा दूध देगी। तो दोस्तों ये अभी ये बछिया है, हम सभी किसान भाइयों से और खासकर महिला पशुपालक जो भी है जो गाय भैंस पालते हैं उन पे हम उनको भी ये कहना चाहेंगे कि भाई ये जो बछिया होती है, जो गाय की बछिया है, इन्हें छोड़ो मत ना। लोग क्या करते हैं, दूध पी लेंगे, जो बच्चे होंगे उनके छोड़ देंगे, उससे खुद का ही नुकसान होता है। कि जितनी गाय हम लोग छोड़ते हैं वो अपने ही खेतों में अपना ही नुकसान करती हैं, और फिर हाँ, और किसान फिर मारते भी हैं गायों को। सही है नहीं भाई? देखो, और हम कहते हैं कि सरकार ने कर दिया, सरकार ने कुछ नहीं करा, सरकार ने कर रही है। हाँ, हम लोग ही इन्हें छोड़ रहे हैं। देखो, सरकार ने ये नहीं कहा कि हम गाय छोड़ देंगे, सरकार ने ये कहा है कि भाई गाय को पालो। भाई उन्होंने तो ये कहा कि गाय को काटने नहीं देंगे, इस बात को हम भी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम भैंस को भी कटने नहीं देंगे। हम तो जो कटियां हीपर्स है ना, जो पहली बार कटियां है, जैसे तुम्हारी कटियां है, हम इसको भी प्रयास करेंगे ये गाभन रुक जाए, इसे भी नहीं कटने देंगे। और ये गाय जो है, गाय को तो आप सोचो मत ना कि ये कहीं छोड़ी जाए। तो मेरी सभी पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई इन बछियों को ना छोड़े। बछियां जो है छोड़ते हैं फिर अपना ही नुकसान करती है, इससे पशुपालक परेशान रहता है। आज की डेट में किसान इन गायों से बहुत ज्यादा परेशान है। किस वजह से परेशान है कि खुद ही छोड़ी है, खुद की समस्या है किसान, और खुद ही छोड़ी है, छोड़ी है। सरकार को उसमें कह देंगे, सरकार का हाथ है, सरकार का कोई दोष ना, सरकार का छोड़ के दिया, छोड़ा तुम। हाँ, तो जी अब ऐसी बछिया देखो, ये बछिया है। अच्छा बताओ, अब ये गाभन रुक गई तो तुम छोड़ देती या पालती? छोड़ी ना, जो ये बछिया गाय जो इसकी माँ जो छोड़ती तो नहीं मजबूरी हो जाती है। हम 2 बार बदलवाई, जब छोड़ रहे थे फिर हम बोले मन कि नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। जब हाँ, तो इन्होंने 2 बार करा दी, नहीं रुकी, तो इन्होंने मुझे बताया, तो हमने इसमें देखा कि क्या, जो भी इसके अंदर 6 महीने पहले क्या दिक्कत थी, इतना मुझे याद नहीं है क्या दिक्कत थी। बाकी हमने इसका इलाज किया, इलाज करने बाद में अब ये गाभन रुक गई। अब ये 6 महीने के आसपास की गाभन आ गई, अब ये पालेंगे। अब गाय को सभी से कहो छोड़े ना, क्योंकि गाय जो लोग छोड़ते हैं उनसे, मतलब खैर हमारी बात कौन मानेगा, लेकिन हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि भाई गायों को छोड़े ना। भाई अपने YouTube के माध्यम से हम लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, जिनके पशुपालक भाइयों के पास गाय और बछिया और भैंसे हैं, कटियों को बेचना, कटवाना बगैर गाभन रुके और गायों को बछियों को छोड़े ना। भाई छोड़े ना, इनका इलाज करा, बेचारी ये गाभन रुक जाए, इनका क्या कसूर है? ये तो बछिया है, मानो अभी हाँ कभी तो देखो, बीमारी जो ऐसी बीमारी ऐसी होती है जो किसी भी पशु में कभी भी आदमी को भी हो सकती है। तो फिर अब ये पशु है, मान लो ये 2 बार गाभन करवा दी इन्होंने, अब ये कह रहे हैं कि
छोड़ता तो मैं छोड़ देता, अब ये दो बार करवाने बाद मैं छोड़ देती, अब ये 51 रुपये, इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं थी जो ठीक ना होती। देखो कमी हो थी तो ठीक हो गई, ठीक हो गई नहीं, अब 51 रुपये। अगर हम इसे छोड़ देते तो उस टाइम पे छोड़ ही देते, तो वो गलत था। तो दोस्तों बच्चियों को भी ना छोड़ें और गायों को भी ना छोड़ें, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, गायों को पालें, बच्चियां जो 51 रुपये उनका इलाज कराएं, पशु 51 रुक जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं बांझपन के लिए, कैंप भी लगते हैं समय समय पर, दवाइयां भी बढ़ती हैं, तो उन दवाइयों को लेकर पशु खिलाएं और बांझपन की जो समस्या है उस पर भी सरकार काम कर रही है और हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं कि इस तरह से जो बच्चियां कटियां हैं इनको 51 करा जाए, उनसे दूध लिया जाए, इन्हें छोड़ा ना जाए। अच्छा ये बताओ तुम्हारी ये बच्चियां 51 है तो खुश हो? अच्छा तो अच्छा ये बताओ हमने पहले भी तुम्हारा काम करा, काम से संतुष्ट हो हमारे, हम काम कैसा करते हैं? जब तक तुम्हारा नंबर याद ना हो जब तक दोबारी दिक्कत आएगी या अच्छा किसी और से करवा दीजिए। नहीं मैं देवेंद्र के पापा से नंबर लाई तुम्हारा, जब फोन करो तुम। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, अभी ये जो है हमें भी इस बात जानकारी किसी के जितना देखो जी, जानकारी ऐसी बात है, हम काम करते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल जानकारी है। जानकारी बहुत है। अब ऐसे लोग कहते हैं कि भाई जानकारी का मतलब ये है कि हम मेरा प्रयास ये है कि जैसे आपकी गाय है तो हम इसमें पहले हाथ डाल के ये देखते हैं, जैसे अभी तुम्हारी कटिया थी, हमने तुम्हारी कटिया पहले देखी तो उसमें कमी लग रही थी, अब तुम्हारी कटिया हमने देखी जो उस कटिया में अब कोई कमी नजर नहीं आ रही हमें, बढ़िया हो रही, तो हमने अब सीमेंट डाल दिया और उम्मीद करेंगे कि तुम्हारी कटिया भी 51 रुक जाए। हाँ रुक जाएगी, और नहीं रुकेगी तो हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, वैसे तो ये रुक जाएगी, अंदर कोई कमी ऐसी लग नहीं रही है। तो दोस्तों इस तरह से हम पशुओं की जो हीपर्स हैं, गाय बछिया और जो भैंसों की कटियों की, हम इन पर अक्सर वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को लोग जागरूक हों, गायों को ना छोड़ें और कटियों को ना कटवाएं और इलाज कराएं, प्रॉपर इनका इलाज होता है, ये ठीक हो जाती हैं और इस तरह से लगभग पशु 51 रुक ही जाते हैं, देरी सही लेकिन रुक जाते हैं, देर दिन तो हो ही जाते हैं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि पशु रुके ना, देरी सही पशु 51 रुक जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की पशुपालन से संबंधित सभी समस्याओं की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।